नमस्कार दोस्तों, कृषि रिसर्च इनोवेशन डेवलपमेंट एसोसिएशन आदर और प्यार से जो क्रीडा के नाम से जाना जाता है उसकी ओर से और श्री वागड़ विसा ओसवाल चौबीसी महाजन जो हमारे इस मंजिल में सहयोगी संस्था है उनकी ओर से आज के वेबिनार में पधारे हुए नामांकित विदुषी मैडम संगीता शर्मा जी जो प्रतिष्ठित संस्था अन्नदाना के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और श्रीमान श्री अशोक कामत जो अन्नदाता दाना के चेयरमैन हैं उनका तथा वेबिनार में पधारे हुए आप सब का हार्दिक स्वागत तथा ऊष्मा सपर वंदन। दोस्तों, जल है तो जीवन है, उसी तरह कृषि है तो सृष्टि है। कृषि के लिए चार प्रकार की आवश्यकता जरूरी है। समाज में ये चार प्रकार के लोग भी हैं। प्रथम प्रकार के लोग हैं जिनके पास खेती है या तो खेती लायक जमीन है। दूसरे प्रकार के लोग हैं उनके पास पूंजी है जो खेती के कार्य के लिए आवश्यक है। तीसरे प्रकार के जो लोग हैं उनके पास टेक्नोलॉजी है खेती की जो भी आवश्यक है। और चौथे प्रकार के लोग ऐसे हैं जो खेती करने की चाहत रखने वाले हैं अर्थात किसान हैं। ये चारों प्रकार की क्षमता रखने वाले लोगों को जोड़ने का कार्य क्रीड़ा करने के लिए इसका गठन किया गया हुआ है। संस्था का प्लेटफॉर्म बनाया गया है। संस्था के सभ्य बनने का आह्वान करते हैं आपको। आप सबको आने वाला युग कृषि का युग रहेगा ये याद रहे। और कृषि में भी बदलाव का युग होगा। दोस्तों, याद रहे कि बदलाव सिर्फ बदलाव के लिए न हो, लेकिन हर बदलाव व्यक्ति समाज और राष्ट्र को सक्षम बनाए। तो दोस्तों, इसके साथ फिर आप सबका हार्दिक स्वागत करने के साथ मैं हमारे टेक्निकल डायरेक्टर श्रीमान उर्मिल गाला जी को गुजारिश करूंगा कि आज के दोनों विद्वान वक्ताओं का परिचय आपको करवाएं। श्री उर्मिल भाई गाला। आभार धीरज भाई। सबसे पहले मैं आप सबको इस लॉकडाउन के पीरियड में आप लोग सब सेफ होंगे उसकी शुभकामनाएं देता हूं कि आप सेफ रहिए घर पे और जितना हो सके बाहर नहीं निकलिए। ये सही टाइम है कि हम लोग हमारे अपने आप को सक्षम बना सके काफी चीजों में, और वही मैंने भी किया। मैं इस समय भगवान का बड़ा आभार मानता हूँ कि 19 मार्च से हमको वैकेशन आना था 8 दिन के लिए कच्छ में, और आज करीबन 2 महीने हो रहे हैं और मैं कच्छ में ही हूँ और सच में खेती को एंजॉय कर रहा हूँ। और बोलते हैं ना कि मान रहा हूँ कि मैं जो क्लाइमेट है, एनवायरमेंट है, उसको सही में मैं क्रीड़ा का भी आभारी हूँ और श्री वागड़ समाज का आभारी हूँ जो आज मुझे इंट्रोडक्शन का मौका दिया है। और इनको बहुत बड़ा धन्यवाद करूँगा श्री संगीता जी को, श्रीमती संगीता जी और अशोक कामत जी को, जो इस लॉकडाउन के पीरियड में हमारे आग्रह पर उन्होंने इस वेबिनार का समर्थन किया। और वो इस वक्त लॉकडाउन की वजह से मेघालय में वहाँ 12 डिग्री टेम्परेचर में ये वेबिनार दे रहे हैं और काफ़ी दिक्कत है उनको इस वेबिनार का प्रसारण में, बट फिर भी वो बहुत पूरा तैयारी की है उन्होंने कि हम इस वेबिनार को अच्छी तरह कर सके। उनके इंट्रोडक्शन में यही कहूँगा, 19 साल पहले उन्होंने अपना कॉरपोरेट करियर छोड़ दिया कि किसानों को अपनी इनकम बढ़ाई जाए और किसान
सही तरीके से और सही मायने में खेती कर सके। उन्होंने शुरू की अपने पिताजी की जमीन से, जहां उन्होंने खेती सीखी, और आज की तारीख में अन्नदाना जो संस्था है वो करीबन 1000 प्लस इंडियन ओरिजिन सीड्स को उन्होंने कंजर्व किया है या संरक्षण करके उनके लैब में बैंगलोर में रखा हुआ है। उनको कर्नाटका गवर्नमेंट ने वुमेन अचीवर्स अवार्ड दिया है और एक खिताब भी दिया है, अ सीड गार्डियन, अ ज्वेल ऑफ कर्नाटका। हाल ही में फरवरी 2020 में उन्होंने एक किताब लिखी थी, द विजन ऑफ अनंतोदया, करेक्ट मी इफ आई रॉन्ग, अनंतोदया किताब करके, और उसको नेशनल रिपोर्ट में लिस्ट भी किया हुआ है, एग्रीकल्चर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की लिस्ट, नेशनल रिपोर्ट में उसको लिस्ट भी किया हुआ है। करीबन 1.5 लाख स्टूडेंट्स को इन्होंने ट्रेन किया है, 20,000 प्लस फार्मर को, अर्बन और अर्बन ग्रुप्स को ट्रेन किया है कि सस्टेनेबल खेती बगैर कोई रासायनिक और यूरिया या डीएपी यूज करे बगैर कैसे हम लोग ओरिजिनल ऑर्गेनिक खेती कर सकते हैं, और उसके ऊपर उन्होंने काफी काम किया है। एक संस्था जो अन्नदाना संस्था है, ये उनकी चेयरमैन है, उनके साथ जो सहयोगी है मिस्टर अशोक कामत, वो मल्टी फैसेट पर्सनालिटी है, वो न इंजीनियर है न आर्किटेक्ट है, बट बढ़िया से ट्रबल शूटर है, जो कोई भी वक्त पे कुछ भी बन जाते हैं। अगर उनके जो संस्था में आज जितने भी सीड्स कंजर्व किए हैं उनकी टेक्नोलॉजी अशोक जी ने बनाई है, जो उनका जो फॉर्मेट है सीड स्टोर करने का वो अशोक जी ने बनाई है। तो ज्यादा वक्त नहीं लूंगा मैं, और मैं संगीता जी से आग्रह करूंगा कि अपना जो प्रवचन है वो शुरू करें खेती के ऊपर, और दर्शकों बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं हम लोग अभी चर्चा भी कर रहे थे, तो ऑर्गेनिक खेती का पूरा मेरा जो सोचने का जरिया था वो इन्होंने पूरा बदल दिया है। तो ओवर टू संगीता जी, आप अपना सेशन शुरू करते हैं। हाँ जी जी, आप सभी को हमारा नमस्कार, स्वागत और धन्यवाद करते हैं आप सबको जुड़ने के लिए हमारे साथ, खासकर क्रीड़ा के सभी सदस्य को हमारा शुक्रिया अदा, धन्यवाद उर्मिल भाई। हम बहुत खुश है कि हमें ये प्लेटफॉर्म मिला है जहां हम हमारे किसान भाई और बहनों और फार्म एंथुजियास्ट को हमारे प्रोजेक्ट और एक्सपीरियंस शेयर करने का ये मौका मिला है। अन्नदाना I'm just trying to do it. Yes, ma'am, you can control the screen now. Yeah, thank you. Annadana may sirf sorry, it's going fast. Annadana may hum sirf jaivik krishi samadhan solutions ke raste dikhate hain. It's moving fast. Ek minute, sorry. Okay. हमारे खेती तीन मूल्य क्षेत्र पे आधारित है, देसी बीज, मिट्टी और स्वास्थ्य। अभी हमें बदलने की क्यों जरूरत है? देसी बीज से ही शुरू होता है हमारा जीवन। हम क्यों भूल गए हैं कि हमारी कृषि इतिहास 8,000 साल पुरानी है। पारंपरिक कृषि तौर तरीके के साथ लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी अपनाएंगे तो इसका लाभ आपको जरूर मिलेगा, जैसे कि हमारे कई प्रोजेक्ट्स में आपको अभी दिखाएंगे। देसी बीज में बहुत सारे गुण होते हैं। ये बीज हमारे किसानों की अमानत है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों की नहीं। देसी बीज किसान खुद हर साल बचा सकता है और किसी पर भी निर्भर नहीं होगा। उसमें पोषक तत्व प्रतिरोध करने की क्षमता है, जो केवल स्वस्थ मिट्टी से ताल्लुक है। किसान कभी भी
निर्भर नहीं होगा. I'm trying to change it and it's not going. Let him change it. Ma'am, if you want my help, you can tell me. I can change the slides. Change the slides, please, because it's taking because of the network okay. problem. Okay, fine. Just tell me when to change. Yes, please. जब बीज स्वस्थ है तो धरती माँ स्वस्थ है, स्वस्थ भोजन और फिर हमारा स्वस्थ आरोग्य. सीधा संबंध है. अगर बीज के साथ खिलवाड़ करें, मिट्टी में ढेर सारा रसायन कीटनाशक डालें, खूब पानी का इस्तेमाल करें और सिर्फ मुनाफा के बारे में सोचे तो हम डिजीज यानी बीमारियां मोल ले रहे हैं. नेक्स्ट स्लाइड. नेक्स्ट. अब आपको मालूम है कि एक गाजर का पौधा कितने बीज उत्पादन कर सकता है. 11 महीने लगते हैं. आप सोचकर भी हैरान होंगे कि एक पौधा 1.5 लाख बीज दे सकता है. फिर भी हमारे देश में बहुत लोग भूखे मर रहे हैं. नेक्स्ट. स्लाइड चेंज करते रहो. नेक्स्ट स्लाइड. विवेक स्लाइड चेंज कर दो. विवेक देयर आर 70 स्लाइड्स कीप ऑन चेंजिंग. या यस. आप स्लाइड नहीं चेंज कर रहे हो. मैडम आप कंटिन्यू रखिए. विवेक विल डू द स्लाइड चेंज बिकॉज़. हां ठीक है. शुड आई कैंसिल द वीडियो कैमरा. नहीं नहीं आप चालू रखिए. आप चालू. हमने कई सारे प्रोजेक्ट्स किए जहां पे पेस्टिसाइड लेडन सॉइल्स को कैसे ट्रांसफॉर्म किया जाता है, समुद्र के खारा पानी को कैसे ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, फिर बांज जमीन को कैसे ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है. ये सारे हर प्रश्न का सवाल जब हम बोलते हैं कि जैविक खेती में मिट्टी पर आधारित है. मिट्टी को स्वस्थ रखोगे तो बीज स्वस्थ रहेगा. बीज स्वस्थ रहेगा तो पौधा स्वस्थ रहेगा. पौधा स्वस्थ रहेगा फल स्वस्थ रहेगा. फल स्वस्थ रहेगा पूरा एनवायरनमेंट हमारे स्वास्थ्य स्वस्थ रहेंगे. ये एक चेन जो पूरे बीज से शुरू होती है. बीज एक नारी का प्रतीक है. बीज में एक इतिहास है, एक कल्चर है जिसे हम एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशंस के हिसाब से उसको संरक्षण कर सकते हैं. हरी क्रांति से पहले 1.5 लाख प्रजातियां धान की थी. आज बहुत दुख है कि 5,000 से कम स्थली बची हुई है. हम क्या कर रहे हैं? हम क्यों भूल गए हैं हमारे 8,000 साल के इतिहास, कृषि इतिहास को? अभी द प्रोजेक्ट्स हम आपको दिखाने जा रहे हैं. सुनामी का प्रोजेक्ट हमने कैसे टैकल किया 500 एकड़ की जमीन को. ये किसान जो पौंडिचेरी चेन्नई के बेल्ट पे 5 गांव को हमने एडॉप्ट किया. फ्रेंच रेड क्रॉस ने हमें सपोर्ट दिया. ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सैलाइन सॉइल्स जहां खारा पानी बहुत गांवों में
धान के खेतों में नमक से भरी नुकसान बहुत हुआ. Keep changing the slides, please. तभी फ्रेंच रेड क्रॉस ने हमें ये प्रोजेक्ट हमें सौंपा. 5 गांव को अपनाया, 500 एकड़ खेत में बदलाव कैसे लेकर आए. हम वे सभी संसाधन देखते हैं. वी सी द सराउंडिंग रिसोर्सेस जो हमारे लिए उपलब्ध हो. क्लाइमेटिक कंडीशन पे आधारित है. हमने 2200 मेट्रिक टन का जैविक खाद उत्पादन किया और 4500 किसानों को लाभ हुआ. हमारी रणनीति इस विश्वास पर आधारित है कि दुष्ट बीजों का उपयोग करने वाले गरीब किसानों को सरल जैविक खेती के तरीके का उपयोग करने के लिए सिखाया जाता है, जो उसे स्वस्थ और टिकाऊ भोजन बनाने में सरलता हो और इनकम भी हो. कीप चेंजिंग द स्लाइड्स प्लीज. अब आप देखेंगे कि ये जो कंपोस्ट है, जो हमने खाद बनाई है, पहले हमने छिड़का पानी में, खेतों में, और फिर हल चलाया. कीप चेंजिंग प्लीज. और कैसे धान 500 एकड़ में बीज बोया और अभी हरियाली नजर आई. चावल के पिछले 15 वर्षों की तुलना में इस क्षेत्र के लिए लाभकारी पोस्ट सुनामी उपज डेटा और कृषि अधिकारियों के रिकॉर्ड के अनुसार चावल की पैदावार में 45-49% की वृद्धि हुई है. अन्नदाना के समय परीक्षण की तरीकों के द्वारा 10% किसानों ने 50 या 60 अधिक उपज दर्ज की. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. अभी जो सॉइल जो बैरन होती है उसको ट्रांसफॉर्म करना कोडेकनाल में हमने कैसे किया. हमारे पास तीन एकड़ की जमीन मिली हमें, 3.5 एकर्स की, और इस जमीन में टेम्परेट बीजों का उत्पादन किया, जैसे कि फूल गोभी, पत्ता गोभी, बीटरूट, ब्रोकली का उत्पादन किया. कीप मूविंग द स्लाइड्स प्लीज. जहां हम मल्चिंग करते हैं, जैसे पिछले स्लाइड में जाएंगे, भूमि को कभी हम धूप से प्रोटेक्ट, भूमि को हमेशा धूप से प्रोटेक्ट करते हैं ताकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भरपूर मल्टीप्लाई होए और हमारे पौधों को खूब सारा न्यूट्रिशन मिले. ये मल्चिंग जो होता है, जो वेस्ट पत्ते होते हैं, जो वेस्ट घास होता है, उस पर जमीन भूमि पर ढक लो और उसका लाजवाब रिजल्ट मिलता है. ब्रोकली को देख लीजिए, उसका स्वास्थ्य देखो कैसे है. नेक्स्ट प्लीज. ये सीधा स्टोर पर जाता है ताकि देयर इज अ डायरेक्ट फार्म टू प्लेट कनेक्शन. ये जो प्रोजेक्ट हमने पतंजलि में किया स्वामी रामदेव जी के साथ, अन्नदाना बैंगलोर आए थे. जब उन्होंने हमारे खेत देखा तो उन्हें एहसास हुआ और उनको मूल्य, उनका बीजों का मूल्य जाना कि बीजों का उत्पादन करना और बचाना बहुत जरूरी है. उन्होंने हमें 2 एकर्स की जमीन दी, 2 एकड़ की जमीन दी, जहां पर हमने पहली मिट्टी को स्वस्थ करने का प्रयोग किया, फिर उत्पादन पे ध्यान दिया और फिर फसल और लाभ अपने आप दिखने लगते हैं. 68 वैरायटीज देसी सब्जियों का उत्पादन किया.
जब हम कंपेनियन क्रॉपिंग करते हैं तो ऑटोमेटिकली कीटनाशक या कीटाणु मल्टीप्लाई नहीं करते, क्योंकि उनका एटमॉस्फेयर जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं इट इज को एग्जिस्टेंस. मतलब कंपेनियन क्रॉपिंग से जैसे कि एक मक्का और क्यूकम्बर डाले तो यू आर ऑप्टिमाइजिंग ऑन स्पेस और प्लस कीटाणु को दूर रख रहे हैं. ट्रैप क्रॉपिंग भी करते हैं, क्रॉप रोटेशन करते हैं जिससे खेत में बहुत लाभ और फायदा मिलता है मिट्टी को. मिट्टी से फिर जब मिट्टी स्वस्थ, जैसे हमने पहले बोला मिट्टी स्वस्थ हो तो हम हमारे सारे पौधे स्वस्थ रहेंगे. जब एक कीटाणु आता है खेत में तो हमें ये ध्यान देना पड़ता है कि वो क्या हमें, वो पौधा हमें क्या बोल रहा है. ऑब्जर्वेशन की बहुत जरूरत है क्योंकि हमें नेचर बताती है कि मैं खुश नहीं हूं या मैं बहुत खुश हूं. फिर उसका उत्पादन आता है तो आपको देखने को मिलता है और इनकम भी बढ़ती है आपकी, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होता है. और सस्टेनेबल फार्मिंग में बीटरूट का उत्पादन किया था बीजों के लिए और खाने के लिए जो एक्सेस था वो मार्केट की तरफ गया. अभी कीटनाशक जो हमारे जो प्रकृति के साथ जब हम काम करते हैं आप उसकी रक्षा करते हैं, उसके साथ युद्ध नहीं. लेकिन दुर्भाग्य से औद्योगिक कृषि युद्ध से पैदा हुआ है, युद्ध रसायनों को बचाती है, दुष्ट बीज बेचती है जो कि विकृत रसायनिक और पेटेंट होते हैं ताकि किसान हमेशा निर्भर रहे, स्वतंत्र नहीं. इस खेत में इतना रसायन एवं हाइब्रिड बीजों का इस्तेमाल किया गया था कि धरती का बुरा हाल था. लेकिन जब अन्नदाना ने वी स्टेप्ड इन तो मिट्टी को पहले सुरक्षा करने का काम शुरू किया, उसको पोषक दिया, सॉइल फूड जैसे कहते हैं, पहले उनको खिलाकर ग्रीन मैन्योरिंग जिसे बोलते हैं, मिट्टी का भोजन देना समान है ताकि सूक्ष्म जीवन पैदा हुए होते हैं और मिट्टी का ह्यूमस बढ़ाते हैं. 3 मास बाद उत्पादन बढ़ने लगा और अनेक प्रकार की सब्जियां ऑर्गेनिक स्टोर के और भेजी गई. जब हमें हमेशा पूछा जाते हैं कि ये कैसे हो सकता है कि ऑर्गेनिक खेती इज नॉट प्रोडक्टिव, ये आपको हम बाद में बताएंगे. लेकिन ये बात सही है कि एक पौधा जो ऑर्गेनिक तरीके से जब उपयोग उगाते हैं तो उसकी मिट्टी की खुराक को अगर सही मायने पर रखे तो ऑर्गेनिक सफल होएगा. एक पौधा बैंगन का 26 या 27 किलो दे वो कम नहीं है. नेक्स्ट प्लीज. हम बैठे हैं मेघालय में. मेघालय में इनका प्रोजेक्ट हमने सन 2014 में किया था और हम वो बहुत खुश हुए इस प्रोजेक्ट से और उन्होंने हमें फिर बुलाया. ये काशी हिल्स में हमने ये प्रोजेक्ट किया था जहां हमने युवा और स्त्रियों के साथ पहले उनको ट्रेनिंग दी और उनको एम्पावर किया कि प्लानिंग से कैसे हम खेतीबाड़ी सफल कर कैन बी सक्सेसफुल. पहले सस्टेनेबिलिटी करें, बाहर से कुछ नहीं मंगवाना. ये हमारा हमेशा वसूल है कि बाहर से जब मंगवाते हैं तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऊंचा जाता है. दिस 1.5 एकर
बैरन स्लोप्ड सॉइल हमें दिया गया, ये किसान का था। अभी इसको, इसकी ट्रांसफॉर्मेशन हमने कैसे की जरा देखिए, नेक्स्ट स्लाइड। 600 वेजिटेबल बेड्स बनाए, ट्रेनिंग की, और फिर ट्रेनिंग से किसानों को ये पता चला कि हम कैसे अपने कीटाणुओं को और अपने अपनी मिट्टी को कैसे स्वस्थ रखें, और कीटाणुओं को नेचुरल अल्टरनेटिव मेथड्स उपयोग करने का ज्ञान दिया। पॉलीहाउस बनाने के लिए लोकल मटेरियल का इस्तेमाल किया ताकि हमें मेटल रॉड्स, स्टील रॉड्स खर्च नहीं कर। प्रोजेक्ट जब हम करते हैं पहले हम देखते हैं कि क्यों, कौन से मटेरियल उस खेत में है, सराउंडिंग एरियाज में है, और रिसाइकल कैसे कर सकते हैं। जब हम रिसाइकल करते हैं तब देयर इज अ लॉट ऑफ ऑफ सक्सेस इन टर्म्स ऑफ इनकम, पैसा भी बच जाता है। और ये हमको टेस्टिमनी मिली, प्रशंसक मिला कि मेघालय गवर्नमेंट से कि ये कितने गांवों को बेनिफिट किया। सो दिस इज समथिंग, माय हिंदी इज नॉट सो गुड, अगर मैं लड़खड़ा रही हूँ प्लीज मुझे क्षमा करना, लेकिन एक बात ये है कि बीज और मिट्टी और भोजन हमें बहुत प्यार है। अब चलते हैं अन्नदाना बैंगलोर के फूड फॉरेस्ट का क्रिएशन। हम कृषि में इस तरह इन्वेस्ट करते हैं जैसे हम अपने बच्चों पे इन्वेस्ट करते हैं। इसका यही नतीजा हरियाली, तंदुरुस्त सेहत और खुशहाल किसान। अन्नदाना ये एक सीजन में 150-200 वैरायटीज के प्रजातियां को बचाते हैं, जैसे कि सारे प्रकार की सब्जी, मसाले, जड़ी बूटी, फल, धान, मक्का, गन्ना, तेल के बीज कैसे उत्पादन कर सकते हैं। ये जो हमने दिखाया था ये मिक्स्ड क्रॉपिंग सिस्टम्स है, जहां फूड फॉरेस्ट का यही मतलब है कि सब खेत से आए। हमें गर्व है और हम गर्व महसूस करते हैं कि हमारे किसान दो दशकों से हमारे साथ है, 2 decades, और आज दूसरी पीढ़ी के किसान जैसे अरुण है अन्नदाना के अभियान चलाते हैं। हमारे हैंडीकैप्ट किसान जो भी है वो हमारा स्वस्थ सब्जियां पैदा करता है। अगर एक हैंडीकैप किसान कर सकता है तो हम सब कर सकते हैं। हमारी सारी फसल चाहे हमारे खेत से ही है, चाहे दाल होए, चाहे जड़ी बूटी होए, चाहे नारियल हो, नारियल का तेल होए, ये सारे उत्पादन हम खेत में करते हैं। यहाँ तक कि मिनी डेयरी है देसी गाय की, जैसे हमें भरपूर दूध, दही, मक्खन, शुद्ध घी, घर के बने बिस्किट, ब्रेड्स, केक्स बनते हैं। गाय के गोबर, गौमूत्र के कितने लाभ है, जैसे हमारा खाद, जैविक उर्वरक, जैविक कीटनाशक तैयार किए जाते हैं। हम बाहर से कुछ नहीं लाते हैं ना खरीदते हैं सिवाय नमक के। ये डाइवर्सिटी आपको कहाँ देखने को मिलेगा, जहां हम मार्केट में खाली 2 varieties देखते हैं, 3 varieties, और अन्नदाना के पास 49 varieties है टमाटर की। जब हम डाइवर्सिटी खाते हैं, मतलब अनेक परिजातियों के डिफरेंट वैरायटीज खाते हैं, तो वो हमें क्या मिलता है, वो हमें गुड हेल्थ देती है, क्योंकि उसमें इतने ट्रेस मिनरल्स है, उसमें इतने एंटीऑक्सीडेंट्स है कि हमें हमारे स्वास्थ्य को ये ही ठीक रखता है। क्यों हमें हम भूल जाते हैं कि हमारे पास खाली 2 प्रकार के और 2 किस्मों के
बैंगन दिखने चाहिए या टमाटर दिखने चाहिए, लेकिन विश्व में टमाटर 6,000 है और हमें खाली सुपरमार्केट में 2 या 3 दिखाई जाते हैं, क्योंकि ये एक षड्यंत्र है। नाउ अगर हम देखें कि हमारा अन्नदाना पश्चिमी घाट में हम सुरक्षा करते आ रहे हैं, एक बांझ जमीन को जहां पर पानी नहीं है 4 साल के लिए, हमने कैसे उसको बदला, हम कैसे उसका बदलाव किया। ये 6 एकड़ में सूखा, पानी नहीं है, इसका बदलाव करने का हम दिखाते हैं हमने कैसे इसको किया। सारे हम रोड्स में से रोज सूखे पत्ते, जंगल में से नहीं, रोड में से, और हमने ये जो है सूखे पत्ते जमीन पर डाले ताकि ये आहार बन जाता है, खाना बन जाता है कीटाणुओं के लिए, और उससे गाय को भी, उससे गाय को भी उससे हम गाय से हम अभी हमने इसलिए ये हम क्या बोलना चाह रहे थे कि इफ यू एक्चुअली प्लाउ द फील्ड्स, मतलब हल चलाए, हल चलाना तो ये हमारी मिट्टी की खुराक इतनी सॉफ्ट हो जाती है, क्योंकि मिट्टी को हमने उसको खुराक दी, उसको उसको खाना दिया। 23 प्रकार की धान के प्रजातियों को हमने वहां बोया, और अभी देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि कैसे 3 महीने के बाद राजमुड़ी, जो एक देसी वैरायटी है, इतनी ब्यूटीफुली, इतनी अच्छी तरह स्वस्थ आई, और सारे डिफरेंट वैरायटीज पैडी के यानी धान के प्रोडक्शन हुआ। और जब इसका नतीजा देखा तब हमारी पारंपरिक, हमारी एक किसान है जो उनका नाम कृष्णमूर्ति है जो आप देख रहे हो, उसको पहले बिल्कुल, उनको पहले बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ कि जैविक खेती में, उनका विश्वास जीतने के लिए हमने एक सुझाव दिया कि आप अपनी तरह का फसल उगाएं बिना कीटनाशक के, और बगल में हम अपनी तरह की फसल उगाएंगे। जब इसका नतीजा देखा तब हमारे पारंपरिक तकनीकों को अपनाने के का फैसला कर दिया। अब वह अपने साथी किसानों को पैदावार और इनपुट लागत बचत का दावा करता है और बदलाव के लिए आवाज उठाते हैं। ये जो सॉइल है इसमें, ये बैरन सॉइल था, पानी नहीं, सूखा, ये सन 2016 में। अभी इसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए अगले स्लाइड में देखेंगे कि कितनी सूखी जमीन इसकी, जहां पर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जीवित नहीं है। पर सल्यूशन ये है कि अगर हम खाद डालें, मल्चिंग मतलब सूखे पत्ते डालें, तो इसको ट्रांसफॉर्म करने में, नेक्स्ट स्लाइड, पानी कैसे हमने सेव किया। एक बरसात में हमने अपना वाटर टैंक बनाया, उस वाटर टैंक से हमने पानी खींचा, बोरवेल तक नहीं था। अगले स्लाइड में जाएंगे, हमने 1 साल बाद मिट्टी पर इतना काम ध्यान दिया कि आज हमारे फसलें क्या उग रही हैं, मक्का, गन्ना, जड़ी बूटी, काजू, ये सब काली मिर्च, सब कुछ इधर, कैप्सिक, सारी सब्जियां, आप जो पूछेंगे, गाजर, हमें बोला गया था कि गाजर इधर नहीं उगती, लेकिन गाजर भी उगाकर दिखा दी। यही होता है कि अगर हम भोजन को, मिट्टी को स्वस्थ रखें
तो हर प्रकार की सब्जियां उगेगी। और हमारा ये मानना है कि अगर हमारे पास अपने बीज है तो हम भोजन सिक्योर भी है। तो इससे मैं मानती हूँ कि गलत तरीकों से उपयोग करोगे तो यही हम आगे नहीं बढ़ सकते। और हम इस विचार से संपूर्ण विश्वास करते हैं कि एक आदमी को मुफ्त अनाज दो और वो एक दिन के लिए खुद को खिलाएगा, लेकिन एक आदमी को जैविक तरकीबें दे और वो अपने और पूरे देश को खिलाएगा। धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू संगीता जी। आई एम सॉरी फॉर माई हिंदी बट आई ट्राइड माई बेस्ट। हमने बहुत कोशिश की। अभी आपके कोई किसी के पास प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। एक क्वेश्चन आया है। अच्छा। एक क्वेश्चन आया कि अन्नदाना कच्छ के फार्मर्स को कैसे मदद कर सकते हैं या कंसल्ट कर सकते हैं और कौन से तरीके से। मैंने जब इंटरनेट पे देखा कच्छ की मिट्टी कैसी है, वहाँ पे नमक ज्यादा है, लेकिन ये तो नहीं कि पूरी जगह में उतनी मिट्टी है। उस का टेस्टिंग करने के बाद पता लग सकता है कि क्या करना चाहिए और नहीं करना चाहिए। और रेन वाटर हार्वेस्टिंग होना चाहिए क्योंकि बहुत पानी की कमी होने के कारण वहाँ पर काफी काम तो करना पड़ेगा। और लोग क्या उगा रहे हैं, वहाँ के देसी बीज कितने, जैसे आपने भी बताया था कि शुरू पहले कॉटन उगता था और अब तो नहीं उगता है क्योंकि ये सब इतने सालों के बाद जो आप पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर यूज करते जाओगे तो उस खत का मतलब कमजोर हो जाएंगे और कोई कुछ भी नहीं उगेगा उसे। तो हमारा ये बोलना है कि दिस इज कच्छ के किसानों को यही सलाह देते हैं कि पहले अपनी मिट्टी पर इन्वेस्ट करो, मुनाफा खुद पर खुद आएगा। मिट्टी पर जब हम इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि मिट्टी पर खूब सारा खाद और खूब सारा मल्चिंग देने के बाद वहां पर उस मिट्टी को पहले बदलना होगा। जैसे हमने सुनामी में किया था, सुनामी में खारा पानी की मिट्टी को हमने बदलाया था 2200 मेट्रिक टन के कंपोस्ट के साथ, पर उसके साथ खूब सारे ऑर्गेनिक ग्रोथ प्रमोटर्स जैसे कि पंचकाव्य गायों से बनता है, वेजिटेबल वेस्ट एंजाइम्स। और अशोक जी, आपको एक थोड़ा सा कच्छ का स्टैटिस्टिक दे देता हूँ। अच्छा, कच्छ में 43,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है, इंडिया का नंबर वन डिस्ट्रिक्ट है। करीबन 23,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया कल्टीवेबल लैंड है। यहाँ पे उसमें से जो लैंड का जो ये है सैलिनिटी है वो सबका ऑलमोस्ट 8 से लेके 11 तक का है, पीएच जो लेवल है। और वाटर का जो ये है टीडीएस लेवल है वो बहुत कम जगह पे 700 800 है या 400 है, बट मेजॉरिटी जगह पे वो करीबन 1500 से लेके इवन 10,000 टीडीएस तक का पानी मिला हुआ है। ठीक। और ये यहाँ का ये है। और एक और हिस्ट्री थोड़ा आपको दे देता हूँ कि कच्छ में 150 साल पहले बढ़िया खेती होती थी, ऐसा मुझे आज भी जो ओल्ड पीपल है यहाँ पे वो बताते हैं कि 150 साल पहले कच्छ लश ग्रीन फॉरेस्ट था और हमारा सबका ख्वाब है कि उसको वैसा ही फिर से बनाए। मैंने वो एक अर्थवेक आया हुआ था 1819 में,
वो जो एक नदी जो आती थी वो उसका डायरेक्शन बदल गया और उसके कारण सब कुछ चेंज हो गया, उसका नाम कोरी के कुछ था, नदी का उसके हाँ उसके लिए वो अगर यही चीज अगर हम उसको वापस करने के लिए उसका लेके आ जाए वापस तो हो सकता है हाँ, लेकिन उसमें इन्वेस्टमेंट होना चाहिए और ये अगर गवर्नमेंट उस पर इन्वेस्ट करे तो इसका चेंज करके उसको आप फिर उसको 15 साल के अंदर फिर हरियाली वापस ला सकते हो, क्योंकि इतना इसी और मैंने ये भी स्टडी किया क्योंकि उस नमक की जो ये लार्जेस्ट सॉल्ट लेक आपके कच्छ में है और वो उसी को पुश करता है वो पानी और वो अंडरग्राउंड में चला जाता है उसी को ब्लॉक करने के लिए वो ब्लॉक करके उसको समुद्र में छोड़ने के और नए तरीके इस्तेमाल करना चाहिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए, और जो नदी का पानी आता है उसको डायरेक्ट जमीन में निकालने का और ऊपर का जो सॉल्ट का है उसी को और एक चैनल देकर दरिया में छोड़ना चाहिए। तो इसके लिए काफी खर्चा होगा लेकिन मुमकिन है, जैसे आपने बताया कि 100 साल पहले ये हुआ था जो चेंज हुआ था जो खेती बाड़ी होते आस्ते आस्ते कम हो गई वो अब मुमकिन है, लेकिन उसके लिए चैलेंज है। जैसा मैंने केरला में ने देखा कि काफी लोगों को प्रॉब्लम होता था जब फ्लाइट का, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, फ्लाइट में आते थे बंबई में उनको कस्टम वाले बहुत सताते थे, तो उन्होंने खुद अपने पैसे से एनआरआई लोग ने 2 एयरपोर्ट बनाए केरला में, तो अभी प्लेन डायरेक्ट वहां एयरपोर्ट पे उतरता है, केरला लोग उधर ही उतरते हैं। वैसा ही आप अगर सोचे वो भी पॉसिबल है, क्योंकि ये मैनमेड जब हुआ था कैलामिटी है और जो भूकंप आया था उसने चेंज किया, तो उसको आपको थोड़ा सा रिवर्स करना पड़ेगा और मुमकिन तो है, और लोग उसके साथ में अगर इन्वेस्ट करे गवर्नमेंट के साथ में और लोग वहां पे काम करना शुरू कर दे। एक मैं बोलता हूँ, महीने में एक आदमी एक दिन उसका अगर कच्छ के लिए काम करे तो ये 1 साल के अंदर मुमकिन है और 15 साल के अंदर ऑलमोस्ट 75% आप उसको फिर से हरियाली बना सकते। अच्छा, एक क्वेश्चन और ऐसा आया है कि ये जो यानी कौन सी टाइप की फार्मिंग करनी चाहिए, वेजिटेबल और फ्रूट्स में, या कौन से अलग दूसरी को ये कर सकते हैं ये कच्छ के एनवायरनमेंट के ऊपर? कच्छ के एनवायरनमेंट के लिए हम पहले जांच करेंगे कि किस टाइप की सब्जियां पहले पारंपरिक उगती थी, क्योंकि उसको रिवाइव करने की बहुत जरूरत है। हम क्या सोचते हैं कि बाहर से सब्जियां के बीज लेकर आकर उत्पादन करें मुनाफा के लिए सिर्फ, यही हम गलती कर रहे हैं। अगर हम रिवाइव करते हैं कि कच्छ की जो इंडिजिनस देसी वैरायटीज जो है उसको पहले, जैसे कि आपका ग्राउंडनट काफी था हाँ, फिर आपके शुगर केन गन्ना काफी सारा, इस सब को फिर बाजरा जवार ये सब आपके स्टेपल क्रॉप्स है, इस स्टेपल क्रॉप्स को पहले रिवाइव करना है और मुनाफा इसमें जरूर आएगा अगर हम मिट्टी पर काम करें। मैं फिर वापस मिट्टी पर जाऊंगी, क्योंकि कौन सी भी सब्जी हमने आपको देख, हमने अपने प्रोजेक्ट से दिखाया है कि एनी लैंड एनी सॉइल कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड। अभी जो है हम जहां बैठे हैं यहाँ पर रोज बारिश हो रही है सवेरे से लेकर रात तक, और 12 डिग्री में हमारी मूली जो है, हमारी ब्रोकली जो है, हमारी कैबेज जो है स्वस्थ है, क्योंकि स्वस्थ जगह में हमने बीज उसको उसका उत्पादन और उसको सेव किया था एक स्वस्थ तरीके तौर तरीके से। जब स्वस्थ बीज का इस्तेमाल करते हो तो फिर क्या होता है, वो पूरा नतीजा फूड चेन पर, मतलब आपकी सब्जियों पर जो मार्केट की तरफ जाती है वो आपको इनकम भी देगा और साथ में आपको फायदा भी मिलेगा।
सेहत का फायदा, हेल्थ का फायदा. आई होप आई आंसर योर क्वेश्चन. या डेफिनेटली. अगला क्वेश्चन ऐसा है कि अगर इस चीज की अगर जो आपका फार्मिंग करने का जो तरीका है उसकी अगर ट्रेनिंग चाहिए तो हमें कहाँ मिलेगी और कैसे मिलेगी? देखो, हमारे अन्नदाना वेस्टर्न गार्ड्स में और बेंगलोर में ट्रेनिंग होगा. ट्रेनिंग एक महीने का ट्रेनिंग होता है. किसान हमारे पास आकर हमारे साथ रहेंगे, सुबह से शाम तक काम करेंगे, हमारा मेथड सीखेंगे, फिर और टाइम टेस्टेड जो मेथड्स हैं वो सीखेंगे और उसके बाद घर जाकर उसी को इम्प्लीमेंट करेंगे. और उसके बाद उनको आस्ते आस्ते खुद पता लगेगा कि क्या करना है और फिर हैंड होल्डिंग करेंगे, उनको बताएंगे. अगर उनको कोई प्रॉब्लम है तो फोन पर हम फिर उसको समझा के बताएंगे कि क्या करना है जब हम हमारे साथ ट्रेनिंग करेंगे. वन मोर थिंग, मेघालय में हम जो अब आए हैं ये एक महीने के लिए अरुणाचल प्रदेश और मेघालय ने अपने किसानों को बैंगलोर भेजा एक महीने के लिए. आज हम इधर जहाँ रह रहे हैं रेजिडेंट ये रिजॉर्ट में, यहाँ पास ही में ये जो खेत है हम रिमोट कंट्रोल से चला रहे हैं क्योंकि एम्पावर्ड फार्मर्स जो बैंगलोर में आए थे वही खेत चला रहे हैं क्योंकि उनको टाइम टेस्टेड टेक्निक्स का अभी पता है. जैसे कि फार्मिंग रिदम्स कैसे होती है, सवेरे क्या किया जाता है, दोपहर को क्या किया जाता है खेतीबाड़ी में, शाम को क्या किया जाता है, दोपहर के बाद काफी गर्मी गर्म होता है तो बीज बचाने का काम होता है, सवेरे पूरा खेत का काम होता है, वर्क स्टेशन में आकर वापस वो कैसे एक एक बीज को संभालते हैं, सीड बैंक में कैसे उसको तैयार किया जाता है, पैक किया जाता है अगले सीजन के लिए. ये पूरा फार्मिंग रिदम ट्रेनिंग एक महीने का हम बैंगलोर और वेस्टर्न घाट्स में ऑफर करते हैं. एक बढ़िया क्वेश्चन आया है, ये 100% कोई बिजनेसमैन है और उसे ये जानना है कि पर एकड़ क्या इनकम जनरेट कर सकते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग में. देखो, उनका वो उस पर महत्वपूर्ण होता है कि अगर वो कौन सी सब्जियां उगाना चाहता है, कौन सा और वो क्लाइमेटिक कंडीशन पे चावल उगाना चाहता है. सब्जियां जैसे हमारे बेंगलोर में एक किसान हमारे पास आ गए नारायण स्वामी करके, उन्होंने कैप्सिकम हमारे से सीखा और उगाने शुरू कर दिया. उनको 12 लाख रुपया एक सीजन में हुआ. तो बेंगलोर में हमारे पास तीन सीजन है लेकिन बैंगलोर उन्होंने दो सीजन में किया तो 12 लाख रुपया का कमाया उन्होंने. उनके बेटे काम पर जाते थे, उन्होंने वो काम बंद कर दिया क्योंकि वो 40,000 रुपये कमाते थे. उनके पिताजी ने उनको कहा मैं आपको 1 लाख रुपया देता हूँ, आप मेरे साथ में सिर्फ 2 घंटे काम कीजिए एक सीजन में. तो 4 महीने में उन्होंने 12 लाख रुपया कमाया. लेकिन ऑर्गेनिक मेथड से आपको करना पड़ेगा क्योंकि इसमें शुरुआत में काम होता है, उसके बाद आसान होते जाता है क्योंकि खुराक मजबूत हो जाता है कि कुछ भी आप उसमें डाल दो तो आ जाता है. और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान देना पड़ता है कि जब जस्ट अ सेक माय बैटरी गॉट डाउन. आवाज आ रहा है मेरा? हाँ जी, आ रही है. जब तक हम किसानों को तौर तरीके नहीं सिखाते हैं, पहले इन्वेस्ट करो नॉलेज पर, प्लानिंग पर, फिर हमें पता चलता है कि आपके एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशंस पे कौन, आपकी स्कोप ऑफ रिक्वायरमेंट्स क्या है, आप किस प्रकार की सब्जियां फल उगा सकते हैं क्योंकि वहां उस एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशन की जांच करनी पड़ती है. और तभी हमें पता चलता है. मोनोक्रॉपिंग तो हम बिल्कुल सजेस्ट नहीं करते, बिल्कुल बैन है, हमारे डिक्शनरी में भी नहीं है. इंटरक्रॉपिंग, क्रॉप रोटेशन, कंपेनियन क्रॉपिंग, ट्रैप क्रॉपिंग से आपको जरूर मुनाफा मिलेगा और वो इनकम आपको 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 5 महीने बाद, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स आर पुट इन प्लेस विच विल जेनरेट एन इनकम. एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होते रहेगा.
आपके आपके पास 2 महीने के बाद इनकम चलते रहेगा, साल भर साल हर महीने आते रहेगा। तो ये क्या है, किसानों को नहीं बिजनेसमैन को भी, क्योंकि बिजनेसमैन अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो अगर किसान 2 किसान या 4 किसान को रखते हैं 1-2 एकड़ में, तो वो उनको पगार भी देना चाहिए, तो उनको इनकम आते रहेगा। तो इससे उनको ये नहीं लगेगा कि मैं अपने जेब से पैसे डाल रहा हूँ। एक बार उन्होंने इन्वेस्ट किया, उसके बाद जब सेटअप करने के लिए, तो उसके बाद इनकम 2 महीने में, जैसा पालक और कोथमीर वो सब छोटे है लेकिन वो उगने तैयार होने हो जाते हैं 2 महीने में। और हमारा एक प्लानिंग भी है जहाँ पर 2 महीने, whether you have greens, whether you have tomatoes, vegetables, then after उसके साथ जो है कौन से crops डाले जाते हैं 4 महीने बाद, groundnuts है, मक्का है, these are income generating crops that will continue giving results. फिर साथ में केले के पेड़, फल के सारे पौधे लगा दो, एक साल 1.5 years में आपको केले के फल मिलेंगे, उसका दाम मिलेगा। देन यू हैव पपायास, देन यू हैव अवोकाडोस, ये सब कैश रिच क्रॉप्स है और इससे आपको मिल ओवर द इयर्स यू विल बेनिफिट विथ दीस काइंड ऑफ ट्रीज इन ऑल दैट इन ऑल वेज। ओके, अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में आपका कोई प्रोजेक्ट है क्या? नहीं। ओके, और अगर आपकी जो ट्रेनिंग है, लेकिन मध्य प्रदेश के एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने हमें बुलवाया था और मीटिंग, और हमने एक सेशन में किसान के सेशन में हमने अपने अन्नदाना के संस्थाओं के ट्रेनिंग सेशंस के बारे में बात की थी, और मतलब कैसे हम लोग रिवर्स कर सकते हैं, एनी सॉइल कैन बी रिवर्स्ड, और हमने वहां पर अपना लेक्चर दिया था। हाइड्रोपोनिक्स के बारे में आपकी क्या राय है? हम बोलते हैं कि ये सब न्यू टेक्नोलॉजी जो आ रही है उस पर जांच करनी है, जहां पर खाली मुनाफा होए और कहां पर जहां पर खाली उस पे हाइड्रोपोनिक का क्या है, एक इन्वेस्टमेंट आपका बहुत ज्यादा है और लाभ आपको 1-2 साल में लाभ दिखेगा, क्योंकि आपको न्यूट्रिएंट्स डालना पड़ते हैं सब, लेकिन उसके बाद 1-2 साल के बाद खत्म हो जाएगा। हम ये भी पूछते हैं कि हाइड्रोपोनिक्स, अभी खेतीबाड़ी हमेशा मिट्टी से संपर्क करते हैं, लेकिन पानी से उसमें न्यूट्रिएंट्स कैसे दे, वेजिटेबल्स, हाउ कैन द वेजिटेबल्स गेट दीज काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट्स व्हिच इज फ्रॉम अ ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर मेथड, जैसे पारंपरिक एग्रीकल्चर जो मिट्टी के बेस से है, ये हाइड्रोपोनिक्स में हमने एक्चुअली दो स्टूडेंट्स आए थे आईटी से जो एक्सपेरिमेंटिंग ऑन हाइड्रोपोनिक्स, और हमने बोला कि आप अपना हाइड्रोपोनिक्स करिए और हम साथ में हम मिट्टी के कंपेरिजन देखकर वे खुद हैरान थे कि हाइड्रोपोनिक्स का रिजल्ट इतना अच्छा नहीं था। दिस इज ओनली द एक्सपीरियंस फ्रॉम व्हाट वी सॉ इन हमारी आंखों के सामने, हमने जो देखा, पर वी से नेचुरल एग्रीकल्चर नथिंग टू बीट इट, एक्वापोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स, ये सब नए तरकीबें। सिर्फ पानी से आप जी सकते हो क्या? एक ही क्वेश्चन मैं पूछता हूं। नहीं, मुश्किल है। ट्रू। तो ये सब कहने की बात है, लोग करते हैं, जैसा वर्टिकल गार्डन्स भी होता है, लेकिन उसमें वो कुछ करीबन आपको 6-8 महीने 1 साल तो अच्छा दिखेगा, फिर उसके बाद वो वेस्ट हो जाता है। हमने सब प्रैक्टिकली चेक किया हुआ है। ओके, देयर आर लॉट ऑफ ट्रेनिंग क्वेश्चंस ऑन ट्रेनिंग, तो आप ट्रेनिंग के ऊपर कुछ हाईलाइट कर सकते हैं क्या? ट्रेनिंग के ऊपर बहुत क्वेश्चंस है, थोड़ा डिटेल में कि कौन सी टाइप की ट्रेनिंग होती है और रफली फी स्ट्रक्चर अगर आप शेयर कर सकते हैं तो। हाँ,
ट्रेनिंग का ये है कि हमने जैसे बोला है कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज एम्पावरिंग द फार्मर्स टू थिंक, रिड्यूस देयर टाइम फ्रेम्स इन नॉट वेस्टिंग द टाइम. एंड और ये जो है ट्रेनिंग का जो है, हम सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट सिखाते हैं, हम कौन से तरकीबें हैं जैसे ग्रीन मैन्योरिंग के तरकीबें सिखाते हैं, और उसमें रोज कैसे खेत को संभाला जाता है सवेरे, जैसे हमने पहले बताया कि देर इज अ होल चेकलिस्ट ऑफ थिंग्स कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के पर पूरा ध्यान जाता है. मतलब कि कौन से रिसोर्सेस हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर हमारे पास बैम्बू है तो बैम्बू का इस्तेमाल कैसे कर सकते, अगर हमारे पास खूब सारे पत्ते हैं तो उसका उसके साथ क्या क्या इस्तेमाल कर सकते, अगर हमारे पास मल्चिंग का कोई मटेरियल नहीं है तो हम कैसे नारियल के पत्तों से उसका मल्चिंग का मटेरियल बनाते हैं, ऑर्गेनिक ग्रोथ प्रमोटर्स बनाने को सिखाते हैं, वेजिटेबल वेस्ट एंजाइम्स बनाते हैं, जो रोज हम जो सब्जियां खाते हैं उसका उसके वेस्ट से हम कैसे उसका एंजाइम बनाकर जमीन पर छिड़कते हैं, कीटाणुओं को कैसे मैनेज करना वो सिखाते हैं. बीज पर पूरा ध्यान जाता है कि कौन सी प्लांट सिलेक्शन कौन से वक्त पर किया जाता है, और हेल्थी प्लांट को किस टाइम पर हम बीज उसका सुरक्षित कर सकते हैं. फिर सिलेक्शन के बाद हार्वेस्टिंग जब होती है तो उस पे बहुत ध्यान देना पड़ता है कि कच्चे फल को कभी नहीं तोड़ते, और उस फल को किस टाइम पर उसकी बीज के लिए तैयार किया जाता है वो उनको सीखने को मिलता है. चौथी बात, जब हम बीज को सुखाते हैं उसके ड्राइंग टेम्परेचर्स को बिल्कुल इट हैज टू बी परफेक्ट, क्योंकि ये डॉक्यूमेंटेशन खुद किसान कर सकते हैं. जैसे मेघालय के किसान जब आए थे उनको खुद पता चल रहा था कि ये बीज जब नहीं सूखा है तो इसको क्या हो सकता है. बीज सुखाने के बाद उसके मेथड्स क्या है, क्लीनिंग, ग्रेडिंग, पैकेजिंग, पुटिंग इट अवे इन फॉर द नेक्स्ट सीजन, ये सब सिखाया जाता है. और इलेक्ट्रिक का काम बहुत, क्योंकि हमारे जो किसान है वो काफी पैसे पंप के ऊपर खर्चे करते हैं, तो एकदम सस्ता वाला पंप मिलते हैं मार्केट में, तो कौन सा पंप खरीदना चाहिए, कौन से पाइपलाइंस खरीदने चाहिए, कैसे उनको बिठाना चाहिए, तो बाहर से आपको प्लम्बर की जरूरत नहीं पड़ेगी और इलेक्ट्रिशियन की जरूरत नहीं, तो बेसिक आपको कैसा छोटा मोटा इलेक्ट्रिशियन का काम और प्लम्बिंग का काम खुद करके, ताकि आप अपना पैसा भी बचाए, और नहीं तो आपको पता है कि गांव-गांव में कितने इलेक्ट्रिशियन का आते हैं तो महीने के बाद आता है, जब तक को किसान तो वेट नहीं कर सकता, और पंप हमेशा खराब होते जाते हैं तो वो भी नहीं कर सकते. तो उनको हम बेसिक सिखाते हैं, जानकारी दिखाते हैं कि किस कोई कौन सा चीज खराब हो सकता है उसमें, उसको कैसे रिपेयर करना, और उसका जानकारी देना, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है. ड्रिप इरिगेशन खासकर किसानों को सिखाया जाता है कि अगर आप अपना खेत सेटअप करेंगे तो आपको ड्रिप इरिगेशन के मेजर्स में क्या क्या करना नहीं करना, पानी को कैसे बचाना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग को कैसे हर दिन ऑब्जर्वेशन, पानी का इस्तेमाल कैसे करते हैं, कितना कम करते हैं. आपको पता है ऑरोविल में जब हम काम करते थे तो टमाटर के पौधे जो है हम हफ्ते में सिर्फ एक बार पानी देते थे, क्योंकि हमारा मल्चिंग इतना खूब था. इसीलिए ट्रेनिंग आपको रियल एक्सपोजर देती है, इट्स अ होलिस्टिक ट्रेनिंग सेशन, इट इज नॉट कि खाली खेती बाड़ी के बारे में, नहीं, भोजन स्वस्थ कैसे होता है, क्या खाते हैं, ये द होल ट्रेनिंग दैट इज बेस्ड ऑन, इट इज ऑन आपकी सोच बदलते हैं हम. वो सीजन के हिसाब से आप कैसे पौधे लगा, सीजन के हिसाब से कैसे खाते हैं, ये सब जानकारी उनको मिलता है हमारे पास में.
तो ये ट्रेनिंग एक महीने का है और 6 महीने का भी है, तो उसमें आपको कंप्लीट जानकारी सीजन सॉइल मतलब बीज से बीज तक आपको सिखाते हैं, तो उसमें कैसे आप काम खेतों में काम करना, वर्क सेशन में, सीड बैंक में, प्लम्बिंग, ये सब एक एक सेशन होता है, वर्कशॉप्स होते हैं, तो उनको सब साथ में मिलाकर उनको अटेंड कर उनको सब सिखाया जाता है। अच्छा, एक क्वेश्चन है, एक पर्सन का लैंड है जिसका टीडीएस रेंज है 2000 to 3500 है, पानी का लेवल, तो उसका बेस्ट सॉल्यूशन क्या है टीडीएस लेवल को कम करने का? देखो उसका वहां पर बारिश होती है और कि बिल्कुल हाँ कच्छ में जो बारिश होती है एवरेज रेनफॉल है वो 10 से 20 इंच के बीच में होती है एवरेज रेनफॉल। वो और कोस्टल एरिया से कितना दूर है उनका एरिया, अपना हिली एरिया है या लो एरिया है, लो लाइंग एरिया है, ये सब कुछ पर ध्यान देकर ही बता सकते हैं, सिर्फ पानी का ये देखकर नहीं बता सकते क्योंकि ग्राउंड वाटर जो है वो सब चीज पर डिपेंडेंट होता है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो मिट्टी की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो जांच किया जाता ये है। आता है उसका स्ट्रॉन्ग हार्ड वाटर कहाँ से आता है ये फाइंड आउट करना चाहिए वहां पर देखने के बाद। अगर नीचे बहुत सारा क्ले सॉइल है तो वो अपना जो हार्ड वाटर उसे ऊपर ही जमाता है, तो उसको तोड़ना चाहिए कैसे, ये सब देखने के बाद ही पता लगता है वहां पर। ओके, एक क्वेश्चन है कि अभी ये लॉकडाउन पीरियड है, किसी को कुछ आइडिया नहीं है कि कब तक लॉकडाउन खुलेगा, तो ऐसे समय में क्या हम कुछ ऑनलाइन ट्रेनिंग या सम थ्योरेटिकल ट्रेनिंग कर सकते हैं क्या? जरूर कर सकते हैं। हम ये ट्रेनिंग जो है, वर्कशॉप्स जो है सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट के बारे में, सॉइल हेल्थ को कैसे रिवर्स कर सकते हैं, ये हम ट्रेनिंग शुरू कर सकते हैं कि अभी यह आपका रिक्वेस्ट आ रहा है, लेकिन देयर इज नथिंग बेटर देन फीलिंग द सॉइल, मतलब जो मिट्टी के साथ जब हम का लॉकडाउन का हम समझते हैं, लेकिन ऑनलाइन का भी हम शुरू कर सकते हैं, देयर इज नॉट अ प्रॉब्लम। ओके, एक रफ कॉस्ट फैक्टर काफी लोगों का क्वेश्चन आ रहा है के कॉस्ट क्या होगा 1 मंथ ट्रेनिंग का आपके बैंगलोर सेंटर में, 6 मंथ ट्रेनिंग का, वो उसका एक आइडिया चाहिए था, काफी लोगों का वो क्वेरी है। अच्छा, 1 महीने का ट्रेनिंग को एक फार्मर को 75,000 रुपीस होता है, 45,000 रुपीस, मतलब उनको खर्चा जो है फ्लाइट अगर कहीं दूर से आ रहे हैं तो आने के लिए, ये 45,000 पर फार्मर के लिए हम उसको रहने का बंदोबस्त देते हैं, खाने का बंदोबस्त, ट्रेनिंग वर्कशॉप करवाते हैं, लेकिन उनको अगर गांव से कहीं दूर से, जैसे अभी पंजाब से तो ट्रेन में कोई आते हैं, लेकिन जब गांव से आते हैं तो अगर दो दो दिन तीन दिन दिन होते आता है तो सफर में, तो वो फ्लाइट से आते हैं तो खर्चा उनका करीबन 75,000 होता है, हमने कैलकुलेट करके किया है। एक दिन का 1,500 जहाँ पे ट्रेनिंग एकोमोडेशन फिर आपका जो सब कुछ 1,500 दिन का एक खर्चा है। ओके, एक क्वेश्चन है कि मसाला और आयुर्वेदिक ट्रीज कौन सी टाइप की और उसके ओरिजिनल सीड्स कहाँ पे मिलेंगे? मसाले की और आयुर्वेद मसाले और आयुर्वेदिक मेडिसिन उसके ट्री उसके सीड्स जो ओरिजिनल है वो कहाँ पे मिलेंगे? हमने ये देखा है कि हम कटिंग से काफी सारा, फॉर इंस्टेंस हम आपको एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशंस के बारे में बताते हैं, जैसे कि अभी हम जो टेम्परेट मतलब जो जहां पर बहुत सर्दी होती है जैसे मेघालय या हिमालयाज होए, वहां पर जड़ी बूटियों के बीज बहुत अधिकतर मिलेंगे, मतलब कि बचाने की क्षमता काफी ज्यादा है, जैसे कि जड़ी बूटियों का इधर जैसे तुलसी होए, चाहे रोजमेरी होए, चाहे जो भी जड़ी बूटी ऑरेगानो होए, ये तो अंग्रेजी वाले हैं, लेकिन हमारे जो मुल्क के कितनी जड़ी बूटियां हैं उनको बचाने के लिए हिली
टेम्परेट जोन्स की जरूरत है, ओके और यही तो हम बता रहे हैं कि बीज की इतनी कमी है, देसी बीजों की इतनी कमी है, इसलिए हम इधर बैठे हैं इन इन बीजों को बचाने के लिए। आपको देसी बीज चाहिए आयुर्वेद के, ये हमें हम ढूंढते आ रहे हैं कि कहां से हमें मिलेंगे। हमें हमारे पास थोड़े थोड़े बीज है, लेकिन उसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं इधर मेघालय में, ताकि उसको लोगों को पहुंचा सके। इट इज नॉट इजी टू गेट इंडिजिनस देसी बीज आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के। कटिंग्स देंगे आपको, लेकिन बीज कभी नहीं देंगे। बीज नहीं, ओके। एक यहाँ का समस्या है कच्छ का, जो है जो आपको एक अगर ट्री का पता होगा, बबूल ट्री। हाँ जी बबूल ट्री, देसी बबूल नहीं, इसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं विदेशी एक बबूल आता है, और इसको बावड़ बोलते हैं, कच्छ की भाषा में बावड़ बोलते हैं। तो ये बहुत है पूरे कच्छ एरिया में, बहुत है, और उसका ऐसा कहना है कि वो पानी जमीन से भी ले लेता है और एटमोस्फियर से भी ले लेता है। तो उसके बारे में कुछ आइडिया है क्या? हमने ज्यादा रिसर्च नहीं किया इस पर, ज्यादा रिसर्च नहीं किया है, लेकिन अगर करना पड़े तो हम करेंगे, जरूर करेंगे। हाँ, क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या है, हर कॉर्नर में कच्छ में ये बबूल मिलता है, और इसका कोई इलाज नहीं है। ये हम लोग जेसीबी यूज करके, आवाज कट रहा है मेरा, जेसीबी यूज करते हैं। अच्छा हाँ, जेसीबी यूज करके भी उसका जो रूट्स निकालते हैं, फिर भी उग के आ जाता है। हाँ, ये जैसा कांग्रेस ग्रास है, और यहाँ पर हमारा एक साबुबुल ट्री है, जो वही बीज मल्टीप्लाई होकर आता रहता है, लेकिन आप जो बोल रहे बबुल का ट्री, उसके रूट्स जोन्स बहुत बहुत डीप रहते हैं, लेकिन इसको उखाड़ना, पहले हमें समझना होगा कि इसकी मिट्टी, ये मिट्टी को कैसे संभालता है उखाड़ने से पहले, क्योंकि एग्रोक्लाइमेटिक के हिसाब से अगर बबुल का ट्री मल्टीप्लाई हो रहा है, तो लेट अस फाइंड आउट द बेनिफिट्स ऑफ बबुल ट्री रादर देन डिस्ट्रॉइंग इट। हमारा ये मानना है कि कुछ भी करने से पहले वो एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशन के बारे में, उस पौध, वो पेड़ क्यों उग रहा है, देयर मस्ट बी अ रियल साइंस, देयर इज अ साइंस। ओके, कांग्रेस है, हम ये साइंस को, हमको पहले इसकी जांच करनी पड़ेगी, क्योंकि हम देखते आ रहे हैं कि सबबुल एक ट्री है, फॉरेस्ट वैरायटी है, जहां पर वो ऐसा मल्टीप्लाई करता है कि इट बिकम्स अ न्यूसेंस, पर हम उसे उखाड़ते, और उखाड़ने के बाद हमें पता है कि इट्स नॉट एन एंडेंजर्ड स्पीसीज। बबुल के ट्री को अगर आपने एंडेंजर्ड कर दिया, आई डोंट नो विच वैरायटीज आप बोल रहे हो कि लोकल वैरायटी नहीं है, लेकिन बाहर की वैरायटी है। इट इज हर्ड के यहाँ पे कच्छ में एक वक्त में in times of Indira Gandhi, this seed was sowed from the air, from the helicopter, to make this area, deserted area को green करने के लिए। ठीक है। जैसे यूकलिप्टस ट्री भी तो किया था, यूकलिप्टस तो सारा पानी खींचता है, तो बबुल के बारे में हमको सीखना पड़ेगा कि if you want to create forest, there must be coexisting trees, जो इनके साथ मेल की they can coexist together. So, और उसकी root zone को कमजोर करेगा, क्योंकि it cannot be that if you just throw, यही monocropping को बोलते हैं कि एक ही variety की tree, eucalyptus अभी क्यों ban किया जा रहा है, क्योंकि ground water tables पूरे हमारे खत्म हो गए हैं, और third वाटर वर्ल्ड वॉर होगी, क्योंकि अभी पानी नहीं है, तो अभी पानी के पीछे लोग कुछ भी करने को तैयार होंगे। इसीलिए
ग्राउंड वाटर टेबल्स को स्वस्थ रखने के लिए बबुल के साथ व्हाट आर द कंपेनियन ट्रीज दैट विल बी गुड फॉर देम, फिर आस्ते आस्ते उनको कम कर सकते जैसे ऑरविल ने किया था. ऑरविल ने भी फॉरेस्ट बनाए, 20 साल से वो काम करते आ रहे हैं. अभी उनके आई थिंक 100 acres ऑफ फॉरेस्ट लैंड दे हैव क्रिएटेड एंड डेवलप्ड. They outgrown all the varieties that were not, उनको मतलब उखाड़ा नहीं, उनके साथ जो coexist करते हैं उन varieties को. अभी कच्छ में जो varieties है उन पे जांच देना पड़ेगा कि कौन सी local varieties of trees जो थे उनको revive करना पड़ेगा, और इनके साथ डालोगे तो फिर आपको पता उसका डिफरेंस पता चलेगा. 10-15 साल तो लग जाएंगे उसको. ओके आपके जो सीड है वो ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, और क्या सीड्स जैसे आपने सैपलिंग्स बताए बट सीड्स मिल सकते हैं ऑनलाइन में ऑर्डर करके? हर जरूर आपको ऑनलाइन बीज की सेवा हम सीड बैंक से हम देते हैं. हर साल हमारा एक सीड कैटलॉग निकलता है और उस सीड कैटलॉग में हमारे 120-122 प्रकार के सब्जी, जड़ी बूटी, फिर फल, फिर हरी सब्जियों के बीज अधिकतर सारे देसी बीज हैं. लेकिन हम एक करेक्शन करना चाहते हैं उर्मिल भाई कि ये बीज जो है सारे जो देसी है वो देसी खाली इंडिया के नहीं है, भारत के नहीं है, क्योंकि हिस्ट्री अगर इसका एथिया इसके ज्योग्राफिकल लोकेशंस का पर ध्यान देंगे तो टमाटर जो है देसी इंडियन का ओरिजिन है ही नहीं. टमाटर जो है सेंट्रल अमेरिका लैटिन अमेरिका ओरिजिन है. चिलीज देखिएगा उसका ओरिजिन भी लैटिन अमेरिका है. बैंगन देखेंगे हाँ ओरिजिन इंडिया है. धान देखेंगे हाँ ओरिजिन इंडिया है. लेकिन मक्का देखेंगे उसका ओरिजिन मेक्सिको है. तो हमने क्या हमने बस उसको अडैप्ट किया है हमारे एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशंस. हमारे वैज्ञानिकों ने सौ साल से कॉलोनियल राज के टाइम में से जितने बीज आए हमारे ये सब अडैप्ट किए गए हैं. ये अडैप्टेड वैराइटीज है इसलिए हमें डाइवर्सिटी दिखाने को मिलता है, क्योंकि हमें डाइवर्सिटी को खाने को मिलता है. सो दिस यू मस्ट अंडरस्टैंड कि हाँ बीज आपको मिलेंगे जैसे कि 25 प्रकार के बैंगन मिलेंगे आपको, 30 प्रकार के टमाटर मिलेंगे. तो ये डिफरेंट वैराइटीज सीड हम फार्म सीड सेवर्स पर आप लिखिएगा seedsavers@annadana-india.org वहां पर लिखेंगे, वेबसाइट पर है. आप अगर उधर लिखेंगे तो सीड सिलेक्शन ऑर्डर फॉर्म भेजा जाता है, क्योंकि हम पहले जांच करते हैं आपका बैकग्राउंड क्या है. हम हाइब्रिड बीजों पर ना हाइब्रिड बीज ना जेनेटिक मॉडिफाइड बीजों पर इट्स अ कंप्लीट नो एट अन्नदाना. इन पर हम बिल्कुल ना इसका प्रमोशन करते हैं और ना हम इसका इस्तेमाल करते हैं. तो आपको सिर्फ देसी हेरिटेज ओपन पॉलिनेटेड सीड्स आपको मिलेंगे अन्नदाना से, ताकि किसान निर्भर ना रहे हमारे पर. वो स्वतंत्र हो जाएगा जब हमसे वो बीज लेगा तो वो स्वतंत्र पाएगा बस. ओके अगला क्वेश्चन है, व्हाट्स द प्रिंसिपल ऑफ चेंजिंग फ्रूट्स लाइक एप्पल फ्रॉम कश्मीर टू कच्छ, दैट मींस जियोग्राफिकल शिफ्टिंग, उसका प्रिंसिपल क्या है और ये पॉसिबल है क्या? हमें ये आपका उत्तर मैं आपको दूंगी. हमने चेरीज लगाए हैं बैंगलोर में. ओके हमारे 5 चेरी ट्रीज हैं, इतने सुंदर, इतना फल देता है. एक चेरी आप थोड़ा मुंह में डालेंगे ना तो आपको उसकी असलियत पता चल जाएगी. इतना खट्टा,
इतना खट्टा कि हम बिल्कुल खा भी ना पाए, उसके खाली जैम्स बना सकते हैं। ये क्यों हमें आपको, हम आपको एग्जांपल दे रहे हैं कि जब एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशंस उसको शिफ्ट करते हैं, जो एप्पल रिक्वायर्स टेम्परेचर्स, कोल्ड टेम्परेचर्स, उस पर वो उस उतनी मिठास होती है, उसका पानी अलग होता है, उसकी खुराक अलग होती है। That's why we say, wow, this Shimla ke apples, Kashmir ke apples hoy, kitna acha. Nagpur ke oranges. Abhi wahi oranges hum aur kahin dale, to uska taste mein farak ho jayega. Aur chota hoega, bada hoega. Ugega to zarur. Ye nahi ki nahi ugega. Lekin, it is not a viable option. Which is why we focus, be local and grow local. True. I also agree. इसमें हमारी सेहत, our health is so swast because when we start eating local seasonal foods, बीमारियों के शिकार नहीं बनेंगे हम। In fact, एक जन ने वो नाम भी भेज दिया है जो बबूल ट्री का बात कर रहा था, तो you can just note it down. That is an Prosopis zuliflora. That is the name. मैं अपने ग्रुप में डाला हुआ है, तो आप उसमें वो नाम देख सकते हैं, तो you can do a research on that. Now we'll take that. There's not a problem. Yes. I don't think so. Now there are any questions. Now we haven't time for hand over to the mic to Meera madam. You can just take over, Meera ma'am. हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी. नमस्ते. आज का दिन एक बड़ा सा शुभ दिन है हमारे सबके लिए. विश्व भर में आज मदर्स डे सेलिब्रेट करते हैं और हम भारत में धरती माँ बोलते हैं, तो इस माँ की प्रशंसा एंड इस माँ का स्वास्थ्य का देखभाल करते हुए आज हम संगीता जी और अशोक जी ने इतने बढ़िया तरीके दिखाए हैं कि भैया आप अगर धरती माँ की रक्षा करेंगे और उसमें सही तरीके के अपने देसी बीज उगाएंगे, ग्रो लोकल, तो हमारे देसी बीज का संरक्षण कैसे करना है और इसके बारे में हम बहुत ही बढ़िया तरीके आज सुने हैं और सीखे हैं. इसके साथ साथ मुझे एक बहुत ही बढ़िया चीज आज के दिन में जो मुझे भी महसूस हुआ कि हर हम जो है हम कच्छ में, हम अगर महीने में एक दिन दे या फिर साल के 12 दिन मैं अगर कच्छ में खेती में काम करूंगी तो कच्छ की हरियाली हम वापस ले आएंगे. एंड दैट वाज अ रियली वंडरफुल इनसाइट दैट वी हैड. एंड जिस तरह से हम गाय का घी और वो भी हमारे देसी गिर गाय की घी के बारे में बात करते हैं, तो जरूर से हम अपने कच्छ के जो बीज हैं वो बीज को हम किस तरह से आगे लाएंगे. एंड ये सारी चीजें जो हमने आज सुनी है इसका पालन जरूर से अमल करेंगे जल्द से जल्द. और जितने भी हमारे आज जो सुनने वाले हैं यहाँ पे जो हमारे दर्शक हैं सबका, सबसे पहले हम संगीता जी और अशोक जी का बहुत बहुत धन्यवाद मानते हैं कि ये सब हमारे साथ शेयर किया है इन्होंने इतने बढ़िया तरीके और क्यों, इसके पीछे राज क्या है जो हम समझ नहीं पाए थे आज तक. एंड उसके बाद जो हमारे दर्शक हैं, दर्शक के बिना तो ये कौन सुनता था. यस, आई मीन दैट वाज आल्सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग. थैंक यू सो वेरी मच एवरीबडी. हर एक आज के जो हमारे सारे भागी सहभागी हैं इस कार्यक्रम में, सबको तहे दिल से क्रीड़ा की ओर से मैं धन्यवाद कहती हूँ. और अभी हमारे साथ जो हमारे वागड़ चौबीसी महाजन के सहपाठी हैं नागजी भाई रीटा, उनसे दो बातें करने को. थैंक यू नेबिन. धरती, वैसे धरती और धरती की मिट्टी से हमें कई चीजें, फल फूल धान मेडिसिन और कई चीजें मिलती है, और इसीलिए हम धरती को अपनी माँ बोलते हैं. हमने हम धरती को अपनी माँ का एक गुरु दिया है कि हमारी धरती हमारी माँ है.
और आज जैसे मैडम ने बताया कि आज मदर्स डे का बहुत शुभ अवसर है और इस अवसर के मौके पे आप संगीता जी और अशोक जी ने जो जानकारी मिट्टी के बारे में और अपनी धरती के बारे में दी है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रही है। मुझे लगता है कि आज का मदर्स डे का जो दिन था वो सबके लिए आज सफल हो गया। मदर्स डे के शुभ अवसर पर माँ की स्वच्छता के ऊपर बहुत बात की इन्होंने। मिट्टी किसी भी प्रकार की हो आप उसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, जैसे सोल्टी हो, ड्राई हो या बैरन हो, लेकिन आप उस मिट्टी को एक प्रोडक्टिविटी के हिसाब से प्रोडक्टिव बना सकते हो, उसके बारे में बहुत अच्छी जानकारी मिली। और उससे क्या होता है कि हम जैसे कृषि प्रधान देश है, आज हमारी 8000 साल की जो हिस्ट्री है कि हम कृषि से जुड़े हुए हैं और कृषि प्रधान देश है, तो जब हमें मिट्टी के बारे में और स्वस्थ मिट्टी के बारे में जानकारी रहेगी, तो जब इनका एक सूत्र रहा है कि स्वस्थ मिट्टी रहेगी स्वस्थ भी रहेगा, तो अपना क्रॉप भी स्वस्थ रहेगा, मतलब पौधा भी स्वस्थ रहेगा और उसका क्रॉप भी स्वस्थ आएगा। और ये स्वस्थ पौधा और स्वस्थ क्रॉप रहेगा तो मुझे लगता है अपना भारत का जो अपना समाज का स्वास्थ्य भी स्वस्थ रहेगा, ऐसी एक बहुत अच्छी सूत्र उन्होंने दी है। और ये स्वस्थ भी और स्वस्थ मिट्टी के लिए उन्होंने बहुत अच्छी जानकारी दी जो मुझे लगता है कि बहुत जरूरी थी अपने लिए। तो इसके लिए मैं संगीता जी और अशोक जी को बहुत धन्यवाद देता हूँ। और ऑर्गेनिक खेती के बारे में बहुत अच्छी बात कही कि ऑर्गेनिक के लिए आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं, कहीं बाहर की चीज लाने की जरूरत नहीं है, हमारे आसपास के जो भी चीजें अवेलेबल है उसी से आप ऑर्गेनिक खेती कर सकते हो, जिसके अंदर अपना गोबर भी हो सकता है, गायमूत्र भी हो सकता है और कई चीजें जो अपना खेत के आसपास में मिल जाती है उसी से आप ऑर्गेनिक खेती बना सकते हो। और ऐसी जानकारी और ऐसी इनके पास जो नॉलेज है इसके कारण ही आज मुझे लगता है कि उनको जो अवार्ड दिए गए सीड गार्डियन और जेवल ऑफ कर्नाटक का जो अवार्ड दिया गया है वो सार्थक है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमें मिली है बंजर जमीन को खेती लायक बनाने के लिए क्या क्या करना चाहिए, उन्होंने अच्छी जानकारी दी। तो वो बंजर जमीन को हम अगर खेती लायक बना के अपना देश की अपना प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, और जो मुझे लगता है कि अपने देश के लिए बहुत जरूरी है। वैसे अपने यहाँ पर काफी अनाज बिकता है लेकिन जानकारी मिलने से अपना जमीन को हम और थोड़ा प्रोडक्टिव बनाने में कामयाब होंगे तो इस देश की एक उन्नति बढ़ेगी, एक प्रगति होगी और प्रोडक्टिविटी से अपने देश की संपत्ति बढ़ेगी। इनका जो बहुत अच्छा मंत्र, बहुत अच्छा सूत्र जो अपने को मिला है कि अपनी मिट्टी स्वस्थ होनी चाहिए, अपनी मिट्टी रहेगी और स्वस्थ बीज रहेगा तो अपना पौधा भी स्वस्थ होगा, अनाज भी स्वस्थ रहेगा और अपना समाज भी स्वस्थ रहेगा। हेलो हेलो यस यस वी कैन गेट अ वॉइस सर, यू कैन कंटिन्यू। प्रॉब्लम है? नो 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 तमारो आवाज आवे छे, आ रहा है आपका आवाज, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। हरियाली के बारे में उन्होंने बहुत अच्छी बातें बताई कि कच्छ की जो अपने जो सिंधु नदी या जो भी नदी थी जो जिनका वहन अपन जो बोलते हैं उनका प्रवाह बदल गया है उसको कैसे वापस ला सकते हैं कच्छ में, बहुत जरूरी है। वैसे तो अभी तो कच्छ में अपना नर्मदा का कैनल का पानी भी आ गया है, तो कच्छ की एक हरियाली क्रांति के लिए कच्छ में क्या बातें होनी चाहिए उसकी ट्रेनिंग भी आप देते हो, तो मुझे लगता है वो ट्रेनिंग भी लेनी चाहिए जिससे हमारे किसान ज्यादा क्रॉप ले सके और स्वस्थ क्रॉप ले सके, ऐसी आपने जानकारी दी है। इसके लिए संगीता जी, अशोक जी, आपके हम आभार व्यक्त करते हैं। हमारे 24वीं महाजन जो है हमारे कच्छ के किसानों के लिए, कच्छ और वागड़ के किसानों के लिए काफी ऐसे सेमिनार वेबिनार करते रहती है और उससे जानकारी लेके हमारे किसान कुछ ना कुछ ज्यादा क्रॉप ले सके, ज्यादा पैसा कमा सके, ऐसी भावना से वेबिनार की आयोजन करते है। उसमें आपका सहयोग मिला उसके लिए हम आपके आभार व्यक्त करते हैं और आगे भी आपसे ऐसी कुछ जानकारी मिलती रहेगी ऐसी हम आशा रखते हैं। थैंक यू संगीता जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका भी। क्या मीरा जी, हम मीरा जी और अमृत भाई हम एक बात बोलना भूल गए। जरूर जरूर। जो मदर्स डे है जो आज, तो ये बात जो मैं हमेशा बोलती आ रही हूँ कि धरती माँ एक गर्भवती माँ की तरह है और इस माँ के अंदर बीज का पोषण करना हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म है। वेरी गुड।
अहम बीजम अन्न ही पूर्ण ब्रह्मा। इसका मतलब कि बीज को हम संरक्षित रखेंगे तो हम हमेशा के लिए स्वस्थ रहेंगे। गर्भवती माँ इसीलिए इतना अच्छा पोषण खाने को मिलता है, तो इसीलिए यही पोषण अगर मिट्टी को हम दे तो हम बीमारियों से तो नहीं सफर करेंगे, अपने बच्चे की पीढ़ी को क्यों हम हॉस्पिटलों की तरफ बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि हम खुद के शिकार बन गए हैं। अपनी सोच बदलना है, और ये बच्चों की सोच हम जब तक ना बदले तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे, सफलता नहीं मिलेगी। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। That was really very nice, superb. And thank you so very much to Sangeeta ji, Ashok ji from Creda, the Creda team, the Krushi Research Innovation and Development Association. Each one of us has a very, very high regards for all of you. Also the participants, क्योंकि जो इस नीति में जुड़ना चाहते हैं वही डेफिनेटली यहाँ पे हैं, तो हम आप सबके आभारी हैं और आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं इस हमारा जो ये अभियान है इसमें हम सबको ही जुड़वाना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच फॉर शेयरिंग विद अस टुडेज सेमिनार। We will be getting on ready with the next seminar as soon as possible. The information will come via the Creda group. Please join in. Thank you so very much. Thank you so much. Thank you. Namaste, everybody. Yeah. Thank you, everyone. Thank you so much. Hello, sir. Ah, sir.